नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं सुशील चौहान आप सभी लोगों का एक नए वीडियो के साथ। मित्रों, आप सभी लोगों ने सुना ही होगा कि इटली में स्थित लीनिंग टावर ऑफ पीसा वास्तुशिल्प का एक अद्भुत नमूना है। वह इमारत अपने नींव से 4 डिग्री झुकी है। करीब 54 मीटर ऊँची पीसा की मीनार झुकने के वजह से दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन आज हम आपको पीसा की मीनार से भी खूबसूरत एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। यह मंदिर वाराणसी में मणिकर्णिका घाट के ठीक सामने मौजूद है, जिसे रत्नेश्वर मंदिर के तौर पर जाना जाता है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले हमारी आप सभी लोगों से एक छोटी सी अपील है कि जिन्होंने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वह लाल बटन को दबाकर अवश्य हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दे, ताकि ऐसी ही वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। आइए मित्रों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस मंदिर से जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातें हम आप सभी को बताते हैं। दोस्तों, रत्नेश्वर मंदिर अपने नींव से 9 डिग्री झुका है और इसकी ऊंचाई 13.14 मीटर है। इस मंदिर की वास्तुकला बेहद अलौकिक है। सैकड़ों सालों से यह मंदिर एक ओर झुका हुआ है। इस मंदिर को लेकर कई तरह की दंत कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन आज भी यह रहस्य का विषय है। पत्थरों से बना यह वजनी मंदिर टेढ़ा होकर भी सैकड़ों सालों से वैसे ही खड़ा है। वाराणसी में गंगा घाट पर जहां सारे मंदिर ऊपर की ओर बने हैं, तो वहीं रत्नेश्वर मंदिर मणिकर्णिका घाट के नीचे बना है। घाट के नीचे होने के कारण यह मंदिर साल के 6 महीनों से भी अधिक समय तक गंगा नदी में पानी में डूबा रहता है। बाढ़ की स्थिति में नदी का पानी मंदिर के शिखर तक पहुंच जाता है। स्थानीय पुजारियों के मुताबिक इस मंदिर में केवल 2-3 महीनों ही पूजा पाठ किया जाता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक वाराणसी में कई मंदिरों और कुंडों का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। उनके शासनकाल में उनकी दासी रत्ना बाई ने मणिकर्णिका घाट के सामने शिव मंदिर बनवाने की इच्छा जताई और इस मंदिर का निर्माण करवाया। उस दासी के नाम पर ही इस मंदिर का नाम रत्नेश्वर पड़ा। Thank you.